नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत ही अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने से सरकार ने थैलियों के प्रतिबंध के ऊपर एक सूचना जारी कर दी थी कि महाराष्ट्र में प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद होगा और 23 तारीख से वो अच्छे तरीके से लागू शुरू कर दी है। बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार की, इसमें दो राय नहीं है। मैं एक सजेशन है मेरा, अगर आप लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब या और जितने मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे यहाँ के MP हैं या जो हमारे नगर सेवक हैं या जो हमारे, तो उन लोगों को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो धनवान आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, अब ऐसे मूवमेंट पे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को कि वो अल्टरनेट क्या ढूंढें, अल्टरनेट क्या लाएं। किसी को महंगा पड़ता है, किसी को लगता है कि हम कहाँ से खरीदें, तो जो दिक्कतों का सामना हो रहा है उस दिक्कतों के सामने की वजह से सरकार की छवि खराब होती है। आम आदमी अगर एक विरोध करता है तो 10 उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, अरे क्या काम कर रहे हो यार, हैं अब क्या करें, हम आटा कैसे लाएं, चीनी कैसे, दूध किस में, चाय किस में, 20 तरह के सवाल आदमी के दिमाग में उठते हैं। इसका एक सजेशन है छोटा सा, अच्छा लगे तो प्लीज़, और मैं तो कहता हूँ कीजिएगा। हमारे महाराष्ट्र में पूरे के अंदर प्लास्टिक बंद है, थैलियाँ बंद है। जितने भी हमारे नगर सेवक हैं या हमारे जो MP हैं या हमारे जो विधानसभा के वो हैं, इन सारों से या जो धनवान लोग हैं, बड़े लोग धनवान लोग जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उन गरीब लोगों को कम से कम, जो गरीब हैं उनको कपड़े की बनी थैलियाँ अपने नाम से लिखे हुए से आप उनको भेंट दे दो, उनको फ्री में दे दो। जब गरीब आदमी को वो थैलियाँ मिलेगी, एक तो वो आपके नाम को नहीं भूलेगा, आपको नहीं भूलेगा और आपकी वोट पक्की होगी, और दूसरा उसको एक अल्टरनेट मिल जाएगा कि भैया थैली सब्जी लानी है, कुछ लानी है, थैली ले जाना, ये थैली हमारी तरफ से आपको। दो दो थैली अगर आप एक घर में देते हैं, 50 रुपये की थैली भी नहीं बनती है, अगर थोक में आप बनवाते हैं तो मुश्किल से 20 रुपये की थैली बनती है, तो 40 रुपये की थैली एक घर में होती है। अगर आपके यहाँ पर आपके गरीब मतदाता 40,000 तो होंगे ही, 40 को 4 से गुणा कर दो तो 400 और 4 × 16 कितना है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसके बच्चे वो कितनी वाहवाह करेंगे और गंदगी ख़त्म होगी। सबसे अच्छी बात ये होगी कि प्लास्टिक ख़त्म होगा, और आपने जो सरकार ने जो चलाई है मुहिम वो फ़ायदेमंद होगी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, इसको कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जाएगा, ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी वाले करके ये श्रेय ले लें। अपने नाम से लोग छतरियाँ भी बांटते हैं ना, अब थैलियाँ बांटिएगा, अल्टरनेट चप्पल दीजिएगा, अल्टरनेट जो अल्टरनेट चीज़ें हो सकती हैं आपको लगता है वो आप फ्री में दे दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोग आपके कैसे मुरीद हो जाते हैं, और जिन लोगों का विरोध के पक्ष में आपके खिलाफ बात करने का मौका मिल रहा है उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। और एक सार्थक पहल जो आपने की है प्लास्टिक बंद, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो विरोधी हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि किसी भी तरह मौका मिले और किसी को किसी चीज़ से जोड़ दें। तो ये छोटा सा काम है, आप तो इन्हें बहुत जल्दी करा सकते हैं, आप किसी को भी ऑर्डर देंगे तो बहुत तेज़ी से काम हो जाएगा, और बांट दीजिएगा। और हमारे विधानसभा क्षेत्र से हैं या दूसरी विधानसभा क्षेत्र, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में आप ये काम शुरू कर दें। और आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा पैसा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और लोग आपको बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। अच्छा लगे तो अपनाइएगा और बुरा लगे तो भूल जाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, आपकी शेयर और टिप्पणियों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।